नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स। तो नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। धार्मिक नगरी उज्जैन में हर तीज त्योहार की शुरुआत बाबा महाकाल के आंगन से होती है। सर्वप्रथम भक्तजन बाबा महाकाल के साथ धूमधाम से त्योहार मनाते हैं। उसके पश्चात सह त्योहार नगर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में मनाया जाता है। इन दिनों कालों के काल बाबा महाकाल के दरबार में रक्षाबंधन त्योहार की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जहां एक ओर रक्षाबंधन पर बाबा महाकाल को अर्पित किए जाने वाले 125,000 लड्डुओं के बनने का काम शुरू हो चुका है, तो वहीं दूसरी ओर बाबा महाकाल के हाथों में बंधने वाली राखी भी तैयार की जा रही है, जिसे पंडे और पुरोहित परिवार की महिलाएं श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर भस्म आरती के पहले ब्रह्म मुहूर्त में राजाधिराज महाकाल को राखी बांधकर विश्व की रक्षा की कामना करेंगी। जो पुजारी सावन के दिनों में बाबा की भस्म आरती करते हैं, उन्हीं के परिवार की महिलाएं व बहनें राखी बांधने बाबा के कक्ष में जाती हैं। ये महिलाएं बाबा का मंगल गान कर उन्हें राखी बांधती हैं। बाबा को भाई मानकर जो महिलाएं पूरे सावन व्रत करती हैं, वह बाबा के प्रसाद से ही व्रत खोलती हैं। मंदिर के पुजारी के घर की महिलाएं सबसे पहले राखी बांधकर व्रत खोलती हैं। यह परंपरा कई सालों से चली आ रही है। महाकाल को राखी बांधने के लिए पुजारी परिवार की महिलाएं देर रात 2 बजे ही मंदिर पहुंच जाती हैं। वे राखी बांधने तक मंत्रोच्चारण करती हैं। राखी बांधने के बाद महाकाल से मिले प्रसाद से ही ये महिलाएं व्रत खोलती हैं और इसके बाद परिवार के भाइयों को राखी बांधी जाती है। भगवान महाकाल को जो राखी चढ़ाई जाती है, उस राखी का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। यह राखी जन्माष्टमी तक दर्शनार्थ रखी जाती है। कई श्रद्धालु इसका दर्शन करने आते हैं और अन्य मंदिरों में भी इसे प्रदर्शित किया जाता है। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।